लाओ माँ, मैं बिछा देता हूँ। रहने दो, हम कर लेंगे अपने आप। माँ मुझे मालूम है आप कल की बात नाराज हैं, प्लीज माँ माफ कर दो ना, मान जाओ ना। देखो माफी मांगनी है ना तो जाकर चारू से मांगो, बेचारी किस तरह से घर से रोती हुई गई है। अरे अच्छा लगता है कि होने वाली बहू अपने ही ससुराल से रोते हुए जाए। ओके माँ ओके, मैं चारू से भी माफी मांग लूंगा, पहले आप तो माफ कर दो ना माँ। हाँ क्या सीमा, मैली शर्ट और साफ शर्ट में कोई फर्क ही नहीं, ये देखो इसका कॉलर कितना गंदा है। अरे कैसे धोती हो तुम कपड़े? हाय राम, हम मर क्यों नहीं गए? ना बाप इज्जत करता है ना बेटा, जिसे देखो बस हम ही को दुत्कारता रहता है। अब चुप क्यों हो गए, हम क्या गलत कह रहे हैं? अभी देखना गोपाल भाई साहब को दशहरे पर संगीता को जेवरों से लाद देंगे, और एक हमारा पति है, 101 रुपए हमारे ऊपर लाद करना, यहाँ से खिसक लेंगे। हे भगवान, तुम्हारी तो सुई जाकर पैसों पर ही अटकती। अब बंद करो ये रोना, पूरे घर को अपना दुखड़ा सुनाने की जरूरत नहीं है। पहन लेता हूँ ये मैली शर्ट, उसे तो कुछ कहना माने खुद पर आफत मोल लेने के बराबर है। हाँ तो पहन लीजिए ना, जिस तरह से हर त्योहार पर हम पुराने जेवर और पुरानी साड़ियाँ पहनते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। भगवान कसम, अगर हमारे हाथ में पिस्तौल होता ना तो तुम दोनों को अभी का अभी उड़ा देते। अंकल ने पूछा भी था लेकिन तुम दोनों हो कि परमिशन मांगी नहीं। वाह, वो सिर्फ पूछ रहे थे लेकिन इजाजत कभी नहीं देते। अरे लेकिन हमें उनसे पूछना तो चाहिए था, शायद मान जाते। How stupid of us. अब छोड़ो भी, अब दोबारा उनके सामने कौन जाए? मत जाओ, घर पे बैठकर भजन गाओ। लेकिन हम तो जा रहे, खूब मस्ती करेंगे। क्या रचना, तुम्हारी वजह से अब मुझे भी यही रहना पड़ेगा। एनीवे, अब मैं जा रही हूँ, बाय। क्या हो रचना, तुम ठीक तो? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं सब, हम ठीक है। चलो देन, कल पिकनिक मिलते हैं। पिकनिक पे? हाँ पिकनिक, तुम आ रही हो ना? एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ बोल। अच्छा एक्सक्यूज मी, कल मिलते हैं पिकनिक पे, डोंट बी लेट। बहुत बड़े गधे हैं हम, बुद्धू बुंदू सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं किस तरह इस पिकनिक में जाना ही होगा। प्लीज छाया, इससे गुस्सा मत हो, मैं बहुत बुरा लग रहा है। बनो मत, बुरा लग रहा है तो अपने पापा को मनाओ, परमिशन लेकर आओ। कैसे मना सकते हैं उन्हें जबकि वो खुद मना कर चुके हैं? तो फिर मातम मनाओ। डरपोक कहीं की। प्लीज छाया। छाया तुम कल आ रही हो ना? ऑफकोर्स, हम हारने वालों में से नहीं है। अच्छा है, जितने ज्यादा होंगे उतना मजा आएगा। हाँ इसलिए तो पता है हमने 2-3 गेम्स भी सोचे हैं, और खबरदार रहा रात को कोई सोया तो। सो रेडी गर्ल्स फॉर ऑल नाइट एंटरटेनमेंट, वो भी टेंट के अंदर विद राजीव सर। किसका नाम ले लिया यार तूने? राजीव सर का नाम सुनते ही ना दिल में कुछ कुछ होने लगता है। राजीव सर प्लीज वेट, आई एम कमिंग। ओ प्लीज, हम वह एजुकेशनल कैंप पे जा रहे हैं और वह राजीव सर हमें कुछ पढ़ाने वाले। ओहो मिस सत्यवती, राजीव सर को बुर्का पहना देना हमारी बुरी नजर से बचाने के लिए। ये फालतू बकवास राजीव सर के लिए अच्छी नहीं लगती। तो फिर उनके लिए क्या अच्छा लगता है? शर्म आनी चाहिए अपने टीचर के लिए से बोलते हुए। तुम्हारे कलीजे पे क्या सांप लौट रहे हैं? तुम तो नहीं चल रही ना हमारे साथ पिकनिक। हमारे मन में जो आएगा वो करेंगे हम राजीव सर के साथ। बदतमीजी की भी हद होती है। क्या बात है, मेरी झांसी की रानी ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी है? गुस्सा आ रहा है अपने आप पे, पूरा कॉलेज पिकनिक में जा रहा है सिवाय हमारे। इट्स ओके, चीयर अप नाउ, इस बार नहीं तो अगली बार चले जाएंगे। लेकिन कुंजन ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज कुंजन कुछ करो ना। सॉरी मैं नहीं बात करने वाली। लेकिन कुंजन
तुम भी तो पिकनिक जाना चाहती थी ना? हाँ लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, प्लीज कुंजन पापा से बात करते हैं ना। पता है कुंजन, हम बनारस के बाहर कभी नहीं गए और आउटडोर पिकनिक में तो सपने में भी नहीं। प्लीज कुंजन, प्लीज कुछ करो ना। ठीक है चलो, लेकिन हम उन्हें मनाएंगे कैसे? ये लो, हो गया टेंट रेडी। अरे आओ ना तुम भी अंदर आओ बैठो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। अरे वाह, ये किसकी सेज सज रही है? सेज नहीं, मस्ती का टेंट है। लग रहा है ना एकदम टेंट जैसा। तुम दोनों बिल्कुल पागल हो गए हो, तो तुम भी आ जाओ उस पागल पर। पिकनिक पर भी ना हम ऐसे ही साथ रहेंगे, रूममेट्स की तरह। रूममेट्स नहीं, टेंटमेट्स। यार थैंक गॉड तुम दोनों साथ में आ रहे हो। तीन का तिग्रम, फुल ऑन मौज मस्ती और ढेर सारा पागलपन। एग्जैक्टली, पागलपन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पता है मुझे इस ब्रेक की कितनी सख्त जरूरत थी। थैंक गॉड मौसा जी मान गए। और हाँ, पिकनिक पर ना हम जीन्स लेकर जा रहे हैं, साथ में अपनी फेवरेट सीरीज भी। श्वेता प्लेयर लेकर आ रही है। हाँ हाँ, और हम डांसर्स। लेकिन हम टेंट में डांस कर पाएंगे क्या? मच्छर के साथ क्रीम लगा लेंगे। मेकअप भी। मेकअप क्यों? तुम्हें जंगल में किसी को इम्प्रेस करना है। एक ही तो हीरो अपने साथ चल रहे, अपने राजीव सर। सुनो, पागल मत बनो, और मेकअप विकअप लगाने की कुछ जरूरत नहीं, तुम उनसे दूर ही रहो। ओए होए, हीरो ये तो कहेंगे नहीं, देख रहे मैडम राजीव सर के लिए बड़ी वो हो रही है। छाया, अब टोकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आफ्टर ऑल वो हमारे हॉकी कोच है। जी हाँ, कोच है, महात्मा नहीं। करो छाया, तुम ना सिर्फ चुप चुप करती रहना और देखना पिकनिक के लास्ट डे तक कोई ना कोई लड़की सर को कह देगी, सर आई लव यू। क्या तुम लोग भी ना? अच्छा अब हम चलते, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। चलो बाय 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 रचना, जल्दी आना। बिस्किट, मठरी, वो चिप्स की पैकेट रह गई, बस दो ही। ये है ना दीदी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए वहां पर। ये लड़कियां कहां रह गई? गुंजन, रचना, जल्दी आओ, देर हो जाएगी बेटा। घबराओ मत शैल, अभी समय है, आ जाएंगे। नहीं जी, अगर ट्रैफिक हुई तो देर हो जाएगी ना उन्हें, इससे अच्छा है कि वहां जल्दी पहुंच जाए। देखा, हमारी तो कोई चिंता ही नहीं है, घर में शादी है, इतने सारे काम पड़े हैं, लड़कियां की घूमने जा रही हैं। वाह, तुम भी ना आजकल अजीब बातें करती हो, वो काम क्या ये बच्चियां करेंगी? खुशी खुशी कभी किसी को विदा मत करो। जब देखो तब कुड़कुड़ कुड़कुड़। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। हम तो एकदम रेडी शेडी गो है। बाकी देविया कहाँ है? वही तो। गुंजन, रचना, देखो छाया भी आ गई है, जल्दी आओ बेटा। आओ। अच्छा बेटा, साबुन तोलिया सब कुछ रख दिया है ना? देखो कुछ भूल गए तो वहां पर भी। हमने सब कुछ ले लिया है। तो फिर देर किस बात की, चलो। और हाँ, जाने से पहले भगवान के सामने माथा टेक लें। जी जाओ, जल्दी जाओ। भगवान जी, मैं उनको सब कुछ कहने समझाने का साहस देना। आई होप कि इन दो दिनों में वो सबको हमारे बारे में सब कुछ बता पाए। प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।